चलिए तो हम लोग का लेसन क्या है, मौलिक अधिकार। क्या है मेरे भाई? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। साफ दिख रहा है क्या? चलिए गौर से सुनिएगा। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, हम जितना भी बात अभी तक ले आपको पढ़ाए हैं सभी बात को रिपीट करके ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार जो है, वो बहुत लंबा भी चैप्टर है और साथे साथे बहुत कंफ्यूजन का भी चैप्टर है। तो उससे अच्छा हम जितना बात को आपको समझाएं सब बात को फिर से रिपीट करके, भले आगे बढ़ पाए चाहे नहीं बढ़ पाए, लेकिन आज लेकिन सब बात को रिपीट कर देना बहुत अति बहुत जरूरी है, न तो पीछे के बाद जब भूल जाइएगा ना तो आपको एक भी बात याद नहीं रहेगा, तो पूरा पूरा काम घबरा जाएगा, ठीक ना। सबसे पहला बात हम समझाते, खाली गौर से सुनते रहिएगा। हमारे संविधान में जो कोई भी नागरिक होता है उस नागरिक के लिए कुछ ना कुछ अधिकार दिया गया है। जैसे सबसे पहले इंग्लैंड के आदमियों ने इंग्लैंड के राजा जॉन किंग से कहा कि हम आपके ब्रिटेन का, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड की, हम आपके इंग्लैंड का नेता हम आपके इंग्लैंड का मतलब कि शासन प्रशासन आप करते हैं और हम आपके जनता हैं, तो हम जनता के लिए कुछ ना कुछ अधिकार दीजिए कि हम अपने संविधान से कुछ ना कुछ मांग कर सके। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप राजा है तो आप ही का बेटा राजा बने, आप ही का पोता राजा बने, आपका पोता के पोता राजा बने और हम लोग को इस ब्रिटेन में कुछ नहीं मिल सके। उससे अच्छा है कि हम लोग को भी कुछ ना कुछ अधिकार दीजिए। सबसे पहले जब अधिकार की मांग हुआ या अधिकार देने का काम ब्रिटेन के राजा ने अपने जनता को दिया और उस अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं या मूल अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार का मतलब जो राजा के द्वारा जनता को अधिकार दिया जाता है, अपने जनता को बोलने के लिए कुछ अधिकार देता है। जैसे हम आप लोगों को कहते हैं कि आप हमसे खुला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको यह अधिकार हम देते हैं कि आप खुला क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। लेकिन हम इसी में कह दें कि आप क्वेश्चन को नहीं पूछ सकते हैं, क्या वह आदमी निराश होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से कहा गया ब्रिटेन के संसद में कि राजा के बेटा राजा बनता है, राजा के बेटा राजा बनता है, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, राजा खाली राजा राजा राजा, बेटा के बेटा, बेटा के बेटा, छेड़ पोता सब बनै छै। लेकिन हमरा से कुछ मिले न, तो आम आदमी का भी कुछ ना कुछ अधिकार होना चाहिए। इसके लिए जॉन किंग ने, जो कि ब्रिटेन के राजा थे, उन्होंने 1215 ईस्वी में अपने जनता को कुछ अधिकार दिया। उस अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं या उसी को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं या मूल अधिकार कहते हैं। मेरे भाई रिवीजन हो रहा होगा, कोई तकलीफ भी नहीं हो रहा होगा। मतलब यह मौलिक अधिकार सबसे पहले कोई देने का काम किया है तो वह व्यक्ति का नाम है जॉन किंग और इन्होंने दिया था 1200। और यह अपने जनता को जो मौलिक अधिकार दिया, मतलब अपने जनता को जो बोलने का अधिकार दिया उसको मैग्ना कार्टा भी कहा। मतलब अपने जनता को जो अधिकार दिया उसको मैग्ना कार्टा कहा गया और उसी मैग्ना कार्टा को बाद के दिनों में मौलिक अधिकार कहा गया। फिर से समझिएगा, राजा जॉन किंग ने अपने ब्रिटेन के आदमी को, नोट्स ना कोटा देखिएगा, खाली पहले हमरे देखिए, हम स्मार्ट कम है क्या? बड़ा फेल लगाते हैं आ तो ये लोग हमारा ना देखता, हमरे खाली देख रहे भाई, हम बड़ा स्मार्ट है, हाँ बहुत स्मार्ट है, लड़की कितना सुंदर हो जाए हमारा सब कम में रही है, ये बात सही है, हम बहुत स्मार्ट है। देख नहीं दे रहे, भले धौला थी तैसे की मोटका थी तैसे की, स्मार्ट में कम ना होती। देख भाई इधर, हाँ मूड तो फ्रेश हो गया होगा, फिर से आइए पढ़ाई पे। तो राजा जॉन किंग ने कहा कि हम अपने जनता को जो अधिकार देते हैं उस अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया या उसको मूल अधिकार पत्र भी कहा गया, मूल अधिकार पत्र भी कहा गया।
महाधिकार पत्र कहिए या मूल अधिकार पत्र कहिए, तो राजा जॉन किंग ने यह कहाँ के रहने वाला था, तो ब्रिटेन के रहने वाला था, ब्रिटेन के रहने वाला था। और इन्होंने अपने जनता को जो अधिकार दिया, इन्होंने अपने जनता को जो अधिकार दिया, इन्होंने जो अपने जनता का अधिकार दिया, जनता के अधिकार को क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का। और इसी को हिंदी में कहते हैं महाधिकार पत्र, महाधिकार पत्र। मतलब राजा जॉन किंग ने अपने जनता को जो अधिकार दिया उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। मेरे भाई फिर से गौर से सुनिएगा, राजा जॉन किंग ने अपने जनता को जो अधिकार दिया उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा इंग्लिश वर्ड है, उसको हिंदी में महाधिकार पत्र कहा गया। जब राजा जॉन किंग ने 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में अपने जनता को दिया, कुछ बोलने का अधिकार दिया, इस बात का होड़ सबतर लगने लगा। भारत के आदमी भी सोचा कि यह इंग्लैंड वाला वहाँ पे दे रहा है, तो जब हम लोग अंग्रेजों का गुलाम हो गए 1757 के प्लासिक युद्ध से, इसी बात को अंग्रेज वाला से मांगना भी चालू किया हम लोग भी, कि हम लोग की कुछ ना कुछ अधिकार होना चाहिए, कि हम लोग भी बोल सके, भले गुलाम है तैसे कि हम लोग को भी बोलने का अधिकार मिल सके। लेकिन यह अधिकार देता तो फिर हम लोग बहुत बढ़िया से बोलते, लेकिन हम लोग को उतना अधिकार मिला नहीं, हम लोग को उतना अधिकार मिला नहीं। जब हम लोग का संविधान बन रहा था ना, लगभग 60 देशों के संविधान के हमारे नेतागण ने पढ़ा, और उसको पढ़ने और बना के लिखने में 64 लाख रुपया की खर्चा कर दिया, 63,97,000 633 कुछ रुपया था, मतलब लगभग 64 लाख रुपया की खर्चा कर दिया संविधान के निर्माताओं ने अपने 1950 में, 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था उसको बनाने में खाली। सोचिए 64 लाख रुपया कितना महत्व रहा होगा। उस समय हमारे देश के जनता ने सोचा कि नहीं, जब संविधान बन रहा है तो संविधान में हर एक बात का जिक्र किया जाए, आम जनता के लिए भी जिक्र किया जाए, नेतागण के लिए भी जिक्र किया जाए, प्रधानमंत्री के लिए भी जिक्र किया जाए, राष्ट्रपति के लिए भी जिक्र किया जाए, हर एक बात को ध्यान में। उस समय क्या होता था कि छुआछूत की व्यवस्था बहुत ज़्यादा चलता था, कहा कि हर जनजाति के लिए कुछ ना कुछ कीजिए, एससी एसटी के लिए कुछ ना कुछ कीजिए, अगर ना कीजिएगा तो जो बड़ लोग है जैसे राजपूत है ब्राह्मण है उनको थोड़ा सा तकलीफ होता है, डोम धनकार चमार दुसाद इनसे थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है। लेकिन जब उसी बात को कहा गया, भीमराव अम्बेडकर साहब भी कहते थे कि जब वो भी आदमी है हम भी आदमी हैं, तो फिर दोनों में बात का अंतर किस बात का है, या आदमी को मूल अधिकार दीजिए बोलने के लिए संविधान में बोल सके, उसको ही बात के लिए कुछ ना कुछ अधिकार दीजिए, न तो यह देश विकास नहीं कर पा जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जाति के नाम पर छुआछूत के नाम पर हर एक आदमी एक दूसरे से नफरत करना चालू कर देगा, उसके भी शरीर में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा भी है, हमारे भी शरीर में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्लाज्मा है, उनके भी शरीर में 206 हड्डी है, हमारे भी शरीर में 206 हड्डी है, उनको भी दांत होता है 32 को, हमारे भी दांत होता है 32 को, उसका भी शरीर मांसपेशी से बना है, मेरा भी शरीर मांसपेशी से बना है। तो फिर आप वही आदमी अगर ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता तो ब्राह्मण हो गया, और वही आदमी अगर गरीब के घर में जन्म लेता छुआछूत की व्यवस्था हो गया। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकार दीजिए, तो यह अधिकार सबसे पहले इंग्लैंड के संविधान अमेरिका के संविधान में रखा गया है। यह जो मौलिक अधिकार की बात है, यह मौलिक अधिकार सबसे पहले लिखा गया अमेरिका के संविधान में। अमेरिका के संविधान लिखित है, लिखित है, और अपना भारत की संविधान भी लिखित है। लिखित का शाब्दिक अर्थ हमने आपको समझाया था बहुत डिटेल से कि कलम से लिखा हुआ तो है, लेकिन अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 4 ऐसे, कभी आपने ऐसे कभी पढ़ा है, च छ ज ज बाद में क ख ग ग फिर त थ द द बाद में ट ठ ड ड, मतलब पहले बिस्का बिस्के पहरा बाद में दुका दुके पहरा, फिर 18 के पहरा फिर 14 के पहरा, ऐसा कभी नहीं पढ़े होइएगा आप। इसका मतलब क्या कि हम लोग सिस्टम ढंग से पढ़ाई किए,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दो का दो, तीन का तीन, टू वन जा टू, थ्री वन जा थ्री, इंग्लिश में कहता है टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, ऐसा कहता है कि नहीं कहता है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे संविधान जो लिखा गया है ना, वह संविधान एकदम सिस्टम ढंग से लिखा गया। पहले आर्टिकल एक होगा, फिर दो होगा, फिर तीन होगा, फिर चार होगा। वही अमेरिका वाला कॉलम से लिखा तो जरूर, लेकिन वह अमेरिका वाला कॉलम से लिखने के बावजूद भी पहले आर्टिकल 20 लिख दिया, बाद में 25 लिखा, फिर 50 लिखा, फिर बाद में 10 लिखा। मतलब पूरा सिस्टम ढंग से लिखा नहीं। तो जिसके संविधान, जिसका संविधान क्रमवार तरीके से नहीं लिखा गया, उसके संविधान को अलिखित कहते हैं, और जिसका संविधान क्रमवार तरीके से लिखा हुआ है उसके संविधान को लिखित कहते हैं। लिखित, अपना भारत की संविधान लिखित है। लिखित का शाब्दिक अर्थ समझ में आ रहा हुआ, सिस्टम ढंग से लिखा हुआ। लोग को पता चलता है कि अलिखित मतलब लिखले नहीं है। उतना बड़का संविधान किसको याद रहेगा? मान लीजिए इंग्लैंड के राजा है, कुछ दिन बाद मर जाएगा प्रधानमंत्री, फिर मर जाएगा दूसरा प्रधानमंत्री आएगा, क्या उसका बेटा पोता सबको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। तो लिखा हुआ तो हर एक देश में है, कहीं पे सिस्टम ढंग से लिखा तो उसको लिखित कहा जाता है, और कहीं पे सिस्टम ढंग से नहीं लिखा तो उसको अलिखित कहा जाता है। भारत की संविधान लिखित है, लिखित का मतलब एकदम सिस्टम बाय सिस्टम से लिखा हुआ है। अनुच्छेद एक है, दो है, तीन है, चार है, से डॉट करके 395 तक ले गया। तो यह अमेरिका के संविधान, सबसे पहले अमेरिका वाला ने संविधान को लिखा था, सबसे पहले अमेरिका वाला ने संविधान को लिखा था। जबकि लिखने की बात सबसे पहले फ्रांस वाला ने सोचा था। फ्रांस वाला ने सोचा कि हम संविधान को लिखेंगे, लिखने का मतलब कि हम सिस्टम ढंग से लिखेंगे, लेकिन वह सोच ही रहा था तब तक जाके अमेरिका वाला लिख लिया। जैसे गांव देहात में भी होता है, आप लोगों में भी होता होगा, दूगो दोस्त है, दूगो दोस्त एगो लड़की को देख लिया बड़ा गोर बुरा, एगो सोचा कि हम पटाएंगे, दूसरा पटाइए लिया, सीहे वाला बात। मतलब एगो सोचिए रहा भी मने मने, अब तो एकरा हम तो पटाइए के छोड़ेंगे, आ दूसरा पटा के रफू चक्कर हो गया। उसी प्रकार से फ्रांस वाला सोचिए रहा था कि हम लिखेंगे, ताले अमेरिका लिख डाला। अंतर समझ में आ रहा है? तो जो बात भीड़ा लगेगा वही बात से समझ में आता है, समझ रहे हैं? जल्दी समझ में आ जाता है। तो उसी अमेरिका के संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकार था, भले दिया था ब्रिटेन वाला, इंग्लैंड वाला, लेकिन लिखित रूप से किसके संविधान में था? अमेरिका के संविधान में, अमेरिका के संविधान में। मेरे भाई कहते ना टाइम से टाइम बनता है, अगर हम स्पीड में चैप्टर खत्म कर देंगे ना आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। एकदम टाइम दीजिए। पॉलिटी का क्लास चलता है 2 महीना, न लिखाते हैं तब 2 महीना में खत्म नहीं होगा, 2 महीना 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगे, क्या हो गया पूरा बिजोर से खत्म हो जाएगा। तो अगला बार से किसी यहाँ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपना जो लेवल है वह पूरा मेंस को उठा के चलते हैं। तो थोड़ा सा हर एक बात पे गौर करना पड़ेगा, कला गौर कीजिएगा। तो जो क्वेश्चन बीपीएससी का मेंस का होता है, पीटी का जो क्वेश्चन सब होता है, उसको बिहार दरोगा, बिहार पुलिस उठा उठा के पूछ लेता है, बड़ा भारी आयल है, भारी कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो हम आपको टेंशन नहीं दे रहे हैं, इस बात को घमंड भी नहीं दिखा रहे हैं कि हमारा बहुत नॉलेज है, हम इस बात को कहना चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा गहराई में पढ़ना चाहिए, जो कि हमारा पर विश्वास रखे तो थोड़ा गौर से सुनिए। तो यह मौलिक अधिकार सबसे पहले कहाँ पर लिखा हुआ था? अमेरिका में। भारत के संविधान जब भारत के नेतागण पढ़ रहे थे ना, इनको लगा कि अगर यह मौलिक अधिकार की चर्चा अमेरिका के संविधान में है तो जरूर यह कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अमेरिका विकसित देश भी है, अमेरिका अच्छा कंट्री भी है, विकसित देश भी है, सबसे अच्छा कंट्री भी अमेरिका है। तो अगर इसके संविधान में मौलिक अधिकार है तो जरूर इसे कुछ ना कुछ होगा। भारतीय संविधान के नेतागण ने उसको उठा के अपना संविधान में ला दिया। मतलब हम लोग का जो मौलिक अधिकार मिला है वह मौलिक अधिकार कहां से आया है? अमेरिका के संविधान, अमेरिका के संविधान से। और इतना समझिए कि घर पे याद नहीं करना पड़े, समझने के बाद याद करना नहीं पड़ता है। तो हम लोगों यहां जो मौलिक अधिकार लिया गया है वह मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से।
जबकि सबसे पहले अपने जनता को मूल अधिकार देने का काम ब्रिटेन वाला ने किया था, ब्रिटेन वाला ने किया था। मौलिक अधिकार में हमारे संविधान में हमको अमेरिका के संविधान से क्या लेना देना, हमको दखल वहां से लिया, उस बात को समझना था, समझा दिए। हमारा अपना मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। उसमें हम आपको अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 का बताए थे कि क्या अति डिटेल्स नहीं बताए थे। इस मौलिक अधिकार की चर्चा हमारे संविधान के भाग कै में है, तीन में। और जो आर्टिकल है, आर्टिकल का मतलब क्या होता है, अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। अब क्या होता है कि यह मौलिक अधिकार की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की चर्चा है। हमने समझाया था कि जैसे पहल का लेसन, दूसर का लेसन, तीसर का लेसन, चौथा लेसन, उसमें 1 से लेकर 10 पेज तक ले पहल का लेसन है, 10 से लेकर 20 पेज तक ले दूसर का लेसन है। उसी प्रकार से हमें संविधान में 22 भाग है, वर्तमान में भाग की संख्या 25 है। सीधे भाग पूछे तो 22 आंसर दीजिएगा, कहेगा वर्तमान में कै गो भाग है, 25 भाग है, वर्तमान में 25 है। सीधे भाग कहे तो 22 आंसर दीजिएगा, वर्तमान जोड़ देगा 25 आंसर दीजिएगा। उसमें जो पेज होता है ना पेज, उसी पेज को हम लोग आर्टिकल कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। पहले का लेसन 10 से लेकर 20 पेज तक ले, दूसर का लेसन 40 से 50 पेज तक ले, मतलब जिस प्रकार से भी हो उस पेज को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। तो वही 12 से लेकर जो 35 तक ले आर्टिकल है ना, इसका चर्चा हमारे मौलिक अधिकार है, मतलब हम आम जनता का अधिकार है। बात को समझ रहे होइएगा। अब हमारे संविधान में क्या होता है, आपात लग जाता है, और आपात को हम लोग कहते हैं इमरजेंसी, इमरजेंसी, और काल को कहते हैं प्रोविजनल। इमरजेंसी प्रोविजनल होता है, आपातकाल होता है। यह हमारे आपातकाल, आपातकाल से हमारे मौलिक अधिकार पे कुछ कुछ प्रभाव पड़ता है, तो उसको पढ़ना पड़ता है कि क्या आपातकाल होगा तो क्या हमारे मौलिक अधिकार पे प्रभाव पड़ेगा। एकदम इज्जत के साथ समझिएगा, नौकरी ऐसे नहीं मिलता, नौकरी दिन रात इकट्ठा करना पड़ता है। नौकरी उसी को मिला जो अपना मतलब सही शरीर को कम से कम 8 से 10 घंटा क्लास हो, क्लास 4 से 5 घंटा, और 8 घंटा घर पे मेहनत किया है लगातार, 10-12 घंटा सब दिन पढ़ लिया है, छठ हो, दीपावली हो, दशहरा हो, गर्मी है, जरा है, ठंडी है, रात है, कुछ भी है, जो लड़का कंटिन्यू 12 घंटा पढ़ लिया है, 12 घंटा 6 महीना पढ़ा, उसका नौकरी हर एक चीज़ में हो जाता है। आज पढ़े 24 घंटा, अगला दिन सोते 24 घंटा, फिर उससे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उसके पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। तो आप इस बात को समझिए एकदम इज्जत के साथ मेरे भाई, जो हम समझाना चाहते हैं आपको, आपातकाल क्यों लगाया जाता है। मान लीजिए हमारे देश में बाहर से आक्रमण हो रहा है देश पर, या हमको हमारे देश में कोई किसी से युद्ध हो रहा है, और उस युद्ध के समय हमारे देश में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है कि सभी आदमी सतर्क हो जाइए कि अभी हम लोग का युद्ध चल रहा है, मान लीजिए चाइना से चल रहा है चाहे पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, सब शांत हो जाइए। शांत होने का मतलब कहना की चाहता है, से गौर से सुनिए, वह कहना यह चाहता है, अब सुनते क्या कहना चाहता है इसे। एक होता है राष्ट्रीय आपात, इसके चर्चा अनुच्छेद 352 में। एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है राष्ट्रपति का शासन, और इसका चर्चा हमारे संविधान में 356 में। और एक होता है वित्तीय आपात, और इसका भी चर्चा हमारे संविधान के 360 में, आर्टिकल 360। तो अगर हमारे देश में अगर राष्ट्रीय आपात लगे या वित्तीय आपात लगता है, तो इस कंडीशन में आम जनता को जो अधिकार दिया गया है,
आम जनता को जो मूल अधिकार दिया गया है या मौलिक अधिकार दिया गया वो प्रभावित नहीं होता है। मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। मतलब राष्ट्रपति का शासन लग जाएगा या वित्तीय आपात लग जाएगा, उस समय भारत के जो नागरिक को जो मूल अधिकार दिया गया है, जैसे बोलने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, रोजगार मांगने का अधिकार है, कहीं घूमने की अधिकार है, मतलब हर एक चीज का जो मूल अधिकार मिला अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ले, वह 12 से लेकर 35 तक ले को निरस्त नहीं किया जाता है। लेकिन जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लगता है, और यह राष्ट्रीय आपात लगता है तीन प्रकार से, अगर किसी देश से बाहरी आक्रमण हो जाता है, भाई व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसमें दिख रहा है उसमें, या किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है, या सैनिक का विद्रोह हो जाता है, या सशस्त्र विद्रोह कहते हैं, सैनिक विद्रोह को हम लोग क्या कहते हैं, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। तो या तो हमारे देश के साथ किसी देश का युद्ध चल रहा है, या कोई बाहर से आक्रमण कर दिया, उस समय हमारे देश में के जो मौलिक अधिकार है प्रभावित हो जाता है। मतलब आम जनता को जो दिया हुआ अधिकार है वह अधिकार प्रभावित हो जाता है। राष्ट्रीय आपात लगता है तीन प्रकार से, या तो कोई बाहर से आक्रमण कर दिया, अचानक पाकिस्तान वाला हमला बोल दिया, या चाइना से कोई युद्ध हो गया, मतलब कोई अचानक हमला बोल दिया या किसी के साथ युद्ध हो गया, तो उस समय मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। लेकिन अगर अपने अंदर में सैनिक विद्रोह हुआ उस समय मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होता। आपातकाल तीन तरीका से लगेगा, या तो राष्ट्रीय आपात, या तो राष्ट्रपति शासन, या तो वित्तीय आपात। लेकिन राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात में मेरा मौलिक अधिकार मतलब आम जनता के अधिकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो अधिकार है सब खुलम खुल्ला है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय आपात तीन तरीका से लगाता है, या तो कोई आक्रमण कर दिया बाहर से, राष्ट्रीय आपात लग जाएगा, या किसी देश से युद्ध हो गया, राष्ट्रीय आपात लग जाएगा। लेकिन अपने अंदर का सैनिक विद्रोह कर दिया, या कोई हमला अपने अंदर के सैनिक में आती, कुछ हलचल मच गया, उस समय हम लोग के मूल अधिकार पे कोई प्रभाव नहीं। तो कैसे पड़ता है तो सुनिए, जब ये दोनों होता है ना, तो एगो आर्टिकल होता है 358, आर्टिकल 358 स्वतः लागू हो जाता है, और इसको लागू होने से आर्टिकल 19 समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 19 को समाप्त जिंदगी भर लगी नहीं करता है, निलंबित करता है, जब तक वह युद्ध हो रहा है चाहे बाहरी आक्रमण हो रहा है तब तक के लिए इसको निलंबित कर देता है, निलंबित कर देता है। अब मास्टर ये बात हमको समझ में नहीं आया तो कहना की चाहता है, तो हम कहना ये चाहते आप समझाते हैं। बाहरी आक्रमण हो गया, आर्टिकल 358 लग जाएगा, युद्ध हो गया किसी देश के साथ 358 लग जाएगा, 358 लगेगा तो आर्टिकल 19 समाप्त हो अति निलंबित हो जाएगा। फिर क्या खासियत है कि 358 लगता है 19 को निलंबित कर देता है, तो देखिए खासियत क्या है। आर्टिकल 19 पहला बात ही 12 से 35 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, 12 से 35 के बीच आर्टिकल 19 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आर्टिकल 19 कहता है कि जो भारत की जनता है ना उसको स्वतंत्रता दिया जाता है, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, कहीं पे जमीन खरीदने की स्वतंत्रता है। मतलब भारत की जनता को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया जाता है आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19 के तहत भारत की जनता को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया जाता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जमीन खरीद के बस सकता है, जम्मू कश्मीर होता अब या इंडिया के कोनो कोना कोना होता अब। अब मान लीजिए हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, हम कहेंगे मोदी जी हमारा आर्टिकल 19 में लिखा है हम तो घूमने जाएंगे बॉर्डर पर, क्या पागल मोरिए जाएगा, ये एक बम फेंका गया तेल बेचे,
चाइना से युद्ध चल रहा है, हम कह हमने आर्टिकल 19 में कहा है कि हम चाइना के बॉर्डर पर घूम के आएंगे, हमारा कौन रोकने वाला है? स्वाभाविक सी बात है, जो हमारे संविधान में लिख दिया है उसको कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि भारत के संविधान सर्वोच्च है। भारत के संविधान के ऊपर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हम तुम कोई नहीं है। हम तुम बिस्कुट आता है क्या? हम तुम बिस्कुट नहीं आता है? आता है, आता है। मतलब भारत के संविधान के ऊपर न तो राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है, कोई नहीं है। न हम, न तू, न हमारे घर वाले, न तोर घर वाले, कोई ना है। दुनिया कोई आदमी ये नहीं है, बात को समझ रहे? लेकिन मेरे भाई, जो संविधान में लिखा उसको पालन तो करना पड़ेगा ना। अगर वह आर्टिकल 19 को समाप्त नहीं करता है तो हम क्या कहेंगे कि ना हम जाएंगे पाकिस्तान के बॉर्डर पे घूमने के लिए, हम जाएंगे चाइना के बॉर्डर पर घूमने के लिए। कौन हमको रोक लेता? अनुच्छेद 19 में लिखल है। हम पार्क में गए, अपना गर्लफ्रेंड के लेके बैठ के रखल है, बढ़िया से बैठ रखो, भाग यहां से। अरे भाग न भाग, आर्टिकल 19 में लिखा है कि हम यहां पर बैठ सकते हैं, भले संविधान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हम कोई ऐसा गलत काम ना करें कि संविधान में ठेस पहुंच जाए। लेकिन पार्क में घूमने का अधिकार है, तालाब पर घूमने का अधिकार है, नदी में नहाने का अधिकार है, दिल्ली के लाल किला पर घूमने का अधिकार है। छुआछूत की व्यवस्था नहीं किया गया है संविधान में कि तू छुआछूत की व्यवस्था से नहीं जान देंगे तोरा, तू चमार है, दुसाद है, डोम है, दनकार है, ब्राह्मण है, राजपूत है, ग्वार है, कोरी है, तो नहीं जान, ऐसा नहीं हो सकता है। यह अधिकार किसमें दिया? अनुच्छेद 19 में। मतलब कि हम पार्क में घूम सकते हैं, हम लाल किला भी घूम सकते हैं, हम ताजमहल भी जा सकते हैं, मतलब जो सरकारी चीज है ना उस पर हम घूमे, या हमारे घर के साथ साथ घूमे, हमारे घर वाले घूमे, या हम घूमे, कोई रोक लिया तो हम आर्टिकल कितना दिखाएंगे? 19। इसमें किसकी स्वतंत्रता है? आम जनता की स्वतंत्रता दिया है। और स्वतंत्रता कई प्रकार के? छह प्रकार। घूमिए, बोलिए, खाइए, पीजिए। आप कौन कहेगा हम दारू पियेंगे? नीतीश कुमार मारते कि नहीं मारते करा? क्या आप जाके दिल्ली में दारू पीजिए तो कौन रोकने वाला आपको? क्या अभियान दारू पिएगा तो मारबे करेगा ओकरा? दूसरा बात, हम पार्क में जाएंगे पूरा कूड़ा कचरा लगा के आ जाएंगे। अरे आपका संपत्ति है ना, सरकारी संपत्ति, आपका संपत्ति है, आप उसको साफ सुथरा रखिए ना, ठेस मत पहुंचाइए। घूमने तो घूमिए, गर्लफ्रेंड साथे, बॉयफ्रेंड साथे, गर्लफ्रेंड साथे, जेकरा साथे ओकरा साथे घूमिए। क्या कोई रोकने वाला है? आप पुलिस वाला रोक दिया तो आर्टिकल कितना दिखा दो? कन्हैया इंद्रजीत पढ़ा के भेजा है आर्टिकल कितना? लेकिन युद्ध होगा, हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर घूमेंगे, हमारा आर्टिकल 19 में लिखा है मार तो बम से बम बाहर निकाल दे तो क्या? एकरा मतलब आर्टिकल 19 को निलंबित करना उसमें सही है। अगर आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं करेगा तो कहेगा हम चाइना से युद्ध हो रहा, हम चाइना के बॉर्डर पर देखने जाएंगे कैसे युद्ध हो रहा है, देखे तो जाएंगे लेकिन वापस ना आएंगे। क्या देखने तो जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा वहां से? हम युद्ध देखने जा रहे हैं, हमने आर्टिकल 19 में कहा हम कहीं घूम सकते हैं। बेटा घूमो, रुकने तरफ कौन है? लेकिन जब युद्ध होगा या बाहरी आक्रमण हो जाएगा, आपका आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता दिया है आपको घूमने का, उसको निलंबित किया जाएगा कुछ दिनों के लिए। युद्ध खत्म, आक्रमण खत्म, फिर से चालू, घूमन कौन रोकने वाला है? लेकिन वही सैनिक का विद्रोह हो जाएगा तो आर्टिकल 19 समाप्त। अगर अंदर के सैनिक आके वेतन बढ़ाओ, हमार पेंशन बढ़ाओ, तो फिर उस समय आर्टिकल 19 को निलंबित। तो फिर मास्टर 358 क्या है? 358 कहता है कि हम सटबो ना तो आर्टिकल 19 अपने खत्म हो जाते। मतलब आर्टिकल 358 अपने आप लागू होगा तो आर्टिकल 19 को निलंबित कर देगा। 358 क्या लिखा होगा कि युद्ध हुआ या बाहरी आक्रमण हुआ, आर्टिकल 358 लगेगा। आर्टिकल 358 में क्या लिखा है? 19 को निलंबित करो, 19 को निलंबित करो, यही लिखा है। सैनिक का विद्रोह हुआ तो निलंबित नहीं होगा। तो हमरा से क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो हमको मूल अधिकार मिला है ना, वह किस देश के संविधान में पहले लिखा था? अमेरिका के। उसको उठा के कहां लाया गया? भारत। लेकिन बिना संविधान में लिखे कौन देश दे दिया था? इंग्लैंड वाला। इंग्लैंड के राजा था जॉन किंग, दिया कब? 1215 में।
और उसी दिन से आदमी में होर लग गया कि हमको भी अधिकार चाहिए। ये बात सोचा कि संविधाने को लिख देते हैं फ्रांस वाला, लिख डाला अमेरिका वाला। तादर पहले बतल पटावे वाला बात कौन याद ना है मतलब संविधान को सोचा फ्रांस वाला कि हम लिख देते दिया सोचे रहा कि हमरे हो लेके पार क्या फिर भाई मतलब कते कहीं में से सोच रहा होगा कि जगरा सब हम बतियाई छियो वो तो ओकरे से शादी करबो आ जो नौकरी हरा पहुंच जाएगा लेके पार तो देखते रह जाए अगला दिन आई भी लान बर्तन मत दै छियो माई आ हम सुधार न गेली भगवान अगला तो यह मौलिक अधिकार की चर्चा भाग कितना में है और आर्टिकल 12 से लेकर क्या हमारे देश में आपात लगेगा उस समय मौलिक अधिकार प्रभावित होगा कब जब राष्ट्रीय आपात लगेगा लेकिन राष्ट्रपति का शासन लगा वित्तीय आपात लगा उस समय मौलिक अधिकार पर फर्क पड़ने वाला इसमें भी कंडीशन है दुए कंडीशन में एगो बाहरी आक्रमण होगा तब एगो युद्ध होगा क्या सैनिक का विद्रोह हो जाएगा उसमें लगेगा तो आर्टिकल 358 अपने आप लग जाता है तो आर्टिकल 19 को निलंबित कर देता तो घूम नहीं सकता है घूमने जाएगा पागले है कि नहीं पागल मरिए क्या है उधर से लेकिन आर्टिकल 359 कहता है क्या आर्टिकल 359 कहता है कि अगर अगर क्या बिहार अब आई के बात कर ले क्या थोड़ा सा हम लोग कर ले कोशिश करेंगे इसको बंद कर दीजिए।